नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। नगर निगम ने अभी हाल ही में जलकर बढ़ा दिया। जलकर बढ़ाने से आम आदमी पर काफ़ी भार पड़ेगा, जिसको लेकर यहां कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे कमिश्नर रीवा के पास। उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या है ज्ञापन और किस बात पर आप यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे। जावेद भाई, आज हम लोग यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ की ओर से हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री हरिशंकर शुक्ल जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसा कि सर्वविदित है कि आज समूचा देश सहित हमारा रीवा अपन कोरोना से ग्रसित है और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। और एक तरफ जहाँ शासन द्वारा एक संबल के तरह से देखना चाहिए और हर तरह के टैक्सों में छूट देनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर इन आम उपभोक्ताओं की परेशानियों को न देखते हुए और आज जलकर की वृद्धि बढ़ा दी गई है। जलकर की वृद्धि बढ़ा दी गई, निश्चित रूप से इसका भार आम आदमी पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा, उन पर पड़ेगा जो बड़े मुश्किल से 100 रुपये दे पाते थे। हमारे साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग को ये ज्ञापन से क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? हमें ये ज्ञापन से देने से ये असर पड़ेगा कि जो हमारे रीवा में जो बिजली की है तो अपने मनमाना बिजली बढ़ाई जा रही है। कई तरह के जो हमारी समस्याएं आ रही है, जो गरीब हैं वो अपना सही तरह से रोज़गार तो कर नहीं पा रहे हैं और इसके अनुसार वो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, ये समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं काफ़ी हैं, बिजली, पानी, सड़क, लगातार इनके दामों में वृद्धि की जा रही है जिससे आम आदमी को भार पड़ रहा। कोरोना काल चल रहा है, वैसे भी इस समय पैसे का जिस तरीके से संकट है उसको देखकर ये लगता है ये काफ़ी मुश्किल काम है। और ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार वृद्धि की जा रही है आम आदमी के जुड़े हितों से, उसका खामियाजा निकट भविष्य में सरकार को ज़रूर ही भुगतना पड़ेगा, ऐसा इन लोग का साफ तौर से कहना था। ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर लगातार सरकार उदासीन है या आप लोगों ने इसको मनगढ़ंत तरीके से बना रखा है? पूर्ण रूपेण 15 साल से बराबर देख लीजिए, रतहरा से लेके चौराहा तक काम कर रहे हैं और जो है तो ठेकेदारों और प्रशासन की उदासीनता के कारण आज तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। आम जनता कितनी प्रभावित है, जल के बारे में जो इन्हें टैक्स बढ़ाया है, अभी पानी शुद्ध पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, बदबूदार पानी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। टैक्स बढ़ाया, गंदा पानी दिया, साफ पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा पाए, टैक्स बढ़ाया, क्या बताइए? देखिए, ऐसा है, वर्तमान में मैं राजेंद्र कुमार महिंद्रा, वर्तमान में जो ये नगर पालिका में पार्षदों का कहीं भी एंट्री नहीं है, पार्षद हैं नहीं, और अधिकारियों के द्वारा ये जो मनमानी की जा रही है, 50% जो जलकर में वृद्धि की गई है वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण है 50%, यानी सीधे सीधे दुगने की वृद्धि हो गई। ये लोग इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि इनका कहना है वृद्धि खत्म की जाए बल्कि और कम की जाए। अब देखना है इनके ज्ञापन पर सरकार किस तरीके से और क्या निर्णय लेती है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान ईशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।